भगवान की सेवा करते थे, इसलिए भगवान ने वर दिया कि हम तुम्हारा उद्धार करने मनुष्य अवतार लेके आएंगे। वेदामृतम संकल्पम कुरिया, ध्यान करें, अ उ और म, अकार उकार और मकार ओमकार, वैसे ये शिव जी का नाद है ओमकार, पर आ उ म, अकार का मतलब होता है जन्म देने वाला, मकार का मतलब है पालन करने वाला, और उकार का मतलब है संहार संभुष्ट करने वाला। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों एक ही रूप है, इनके नाम अलग अलग हैं। कर्म विद्धिताम यथा नामा, व्यक्ति एक ही रहता है पर कर्म के आधार पर उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। याद रखो, आप कार में बैठे हो और चौराहे पर पर्ची फाड़ने वाला सफेद ड्रेस में खड़ा हो तो आप क्या कहेंगे, देखो ट्रैफिक वाला खड़ा है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि कैलाश खड़ा है, आप जानते नहीं नाम क्या है उसका, आप उसके कर्म को जानते हैं कि वो पुलिस है, इसलिए दूर से कर्म पहचान में हो जाता है। एक ये नाम हो गया उसका पुलिस, और दूसरा नाम अगर वो किसी का साला होगा तो साला जीजा होगा, तो ये भी नाम, चाचा ताई काकू काका, ये सब नाम है। कर्म बद्धितम यथा मूलम सर्वेशम पुण्यम, आदमी जैसे व्यवहार में बढ़ता जाता है वैसे उसके नाम बढ़ते जाते हैं व्यवहार में। भगवान शिव का काम कल्याण करना तो शिव हो गए, पालन करने के लिए विष्णु विष्णु विष्णु, यानी कि ब्रह्मांड में जो सर्वत्र समाया है सबका रक्षक है वो विष्णु, और वही शिव के ऊपर आए वही ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मम रजतो रजताम भूतम, जिसमें रज प्रवृत्ति है वो ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। बच्चों के लिए जैसे बाप रहता है, पत्नी के लिए पति रहता है, माँ के लिए बेटा रहता है, बुआ के लिए रहता है, एक ही आदमी के इतने सारे नाम और रिलेशन। हमारे बुखार को जो ठीक कर दे वो कौन है, डॉक्टर। हमारी गाड़ी जो चलाए वो कौन है, ड्राइवर, और वो ड्राइवर थोड़ी है, नाम तो कैलाश है उसका, तो ड्राइवर कैसे हो गया, ओ ड्राइवर इधर आ, इधर आ, ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस किसको ढूंढती है, हैं? कहां गया ड्राइवर, ड्राइवर कहां गया, कहां गया ड्राइवर, वो थोड़ी कैलाश को ढूंढ रही, कैलाश कहां गया, बाद में पता चलेगा जब FIR होगी किसके नाम की है, ये ड्राइवर का नाम क्या है, तब पता चलेगा। तो आपका असली नाम तो आत्मा है, पर व्यवहार के लिए आप चाचा काका मामा फूफा पत्नी बीवी बाबा बन के घूम रहे हो महाराज, तो आप तो असली तो आत्मा हो, कौन हो आप असली, पर कौन पहचानता है तुम आत्मा हो, वो तो जब FIR होगा तुम्हारे पाप का तब पता चलेगा आत्मा, तब फूफा नहीं बचेगा यहाँ, तब जीजा जी बचेगा, अकेली आत्मा को भोगना है दंड, जीजा तो मरते ही खत्म हो जाता है संबंध। कदम धर्मम यथा रूपम योगश्चितैरमानताम, धर्म शुद्धि धर्म रचितम धर्म समापितो। भगवान ने कहा कि भगवान जब जब समाज में धर्म की हानि होती है, धर्म को मानने में मन में गिलानी आने लगती है, लोग पाखंडी हो जाते हैं और लोग अपने ही परिवार में हिंसा करते हैं, तब परमात्मा का आगमन होता है। और भाई साहब ये युग आ गया है ऐसा, अब तो युग ऐसा आ गया है, खाली आप हिंदू को छोड़ दो, बाकी सब अपनी बहनों के साथ ही शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, केवल हिंदू बचा है, और हिंदुओं में भी मामा की छोरी तक तो पहुंच गए लो, यानी वो भी बहन ही होती है मामा की लड़की, पर वहां तक तो भाई मराठा में तो शादी हो रही है, बोलो मामा की लड़की तो बहन होती है, वहां तक तो हम भी पहुंच गए हिंदू लोग भी, अब कलयुग आने में ज्यादा इंतजार मत करो, और कलयुग मुसलमानों में तो बहन वगैरह होती चली है, वहां तो सब पत्नी है, खाली लिंग होना चाहिए स्त्री का, बस वही पत्नी है, बेटी मौसी की बेटी चाचा की बेटी
चाची की बेटी, चाऊ की बेटी, सब पत्नी। कितना 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 वर्ण संकर संसार है, कितना नायक है ये कृत्य। दूर ध्वजान दुर्जतान दुहितान द्वितान दुर्जतान। क्या कहता है शास्त्र? शास्त्र ये कहता है दुर्जताम दुहितान। जो हमारी दादी है ना, उस दादी के भी सात पीढ़ियों के दूर से शादी करनी चाहिए। बोलो, दादी के सात पीढ़ियों से भी दूर से विवाह करना चाहिए, तब जाके वर्ण संकर औलाद पैदा नहीं होंगे। बड़ा मुश्किल है महाराज, इस अत्याचार हिंसा का कारण क्या है? निकट से निकट शादी करना, पहचान में शादी करना, संबंधियों में शादी करना, इससे वर्ण संकर, कमजोर औलाद, बेकार संसार, बाह्यात संसार पैदा होता है, इससे निकम्मा संसार पैदा होता है। राम कहाँ, जनकपुरी सीता कहाँ, दूर दूर तक पहचान नहीं संबंधों में है। कृष्ण कहाँ, रुक्मिणी कहाँ, मथुरा के कृष्ण और विदर्भ की रुक्मिणी, दूर दूर तक संबंध नहीं। इसलिए महापुरुष पैदा हुए है। वर्णम, अच्छा वर्ण चाहिए तो वर्ण देव के शादी करो ना। नहीं, बड़ा कठिन है, पहले से फिक्स कर लेते। मामा की लड़की हो गई तो फिक्स हो गई, तो ले नहीं समझो। बुआ का लड़का मोहर लगा के घूम रहा है, तू मेरी है। बोलो तुम है, उसने मोहर लगा दिया, मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है। लंगड़ी हो तो छोड़ देता, कनेटी हो तो छोड़ देता, पापी जो ठहरा। सब दुनिया अच्छे का ग्राहक है, कमजोर चीज को कोई पकड़ता नहीं, सब रिश्ते खत्म हो गए। फिर वो लड़ाई करती है, मामा नाराज हो जाते, फिर मामी नाराज हो जाती, तुमने हमारी बेटी का विवाह नहीं किया, सब झगड़े चलते।